मुगलों के शासनकाल में नहीं हुआ, अंग्रेजों के शासनकाल में धर्मांतरण नहीं हुआ, ऐसा क्या होगा कि आज़ाद भारत की ये 70 वर्ष के वर्तमान 70 वर्ष के अंदर और ये 30-40 वर्ष के अंदर हमारे लोग धर्मांतरण करने जा रहे हैं। तू ले जाना उस धर्म में तो ठीक हो जाएगी वाले। किस धर्म में? किचन में सर। मैं क्योंकि कई जगह सुना था कि ये लोग ऐसा ऐसा करते हैं, तो मैं उसमें तत्काल विरोध किया और विरोध यहाँ तक किया, अगर यहाँ और एक झंडा लगवा दिया मैं और यहाँ अगर किसी प्रकार का कोई भी निर्माण होगा तो यहीं पर काट डालेंगे। जय हिंद दोस्तों, आज फिर से मिशन काली आपके समक्ष धर्मा वॉरियर सीरीज का एक नया एपिसोड लेकर प्रस्तुत है। छत्तीसगढ़ की एक तिहाई जनसंख्या आदिवासी है और इन भोले भाले आदिवासियों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के प्रलोभन दिए जाते हैं। परंतु बस्तर के जिला मुख्यालय जगदलपुर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित उमरावन कलचा गांव में जन्मे हमारे आज के धर्मरक्षक श्री महेश कश्यप जी अपनी सूझबूझ और कौशल से बस्तर संभाग में पिछले 25 वर्षों से ईसाई धर्मांतरण रोकने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। यहाँ का जो सामाजिक व्यवस्था है, अलग अलग जाति समुदाय के लोग रहते थे, लेकिन गांव के जो रीति रिवाज है, परंपरा है, जैसे देवी गांव के देवी माता होता था, वहाँ सामूहिक रूप से पूजा पाठ होता था, वहाँ जातिगत भेदभाव कुछ नहीं था, ना धर्म का कोई भेदभाव नहीं था, एक साथ एक दूसरे का चंदा करके पूजा पाठ होता था और ऐसा करके हमारे बस्तर सुरक्षित रहा। जहाँ तक अंग्रेजों का शासन 250 वर्ष जैसे चला, उससे पूर्व जैसे बताते हैं कि हमारे देश में मुगलों का राज्य चला अन्य क्षेत्र में, ये सारी चीज़ें से बस्तर सुरक्षित रहा। हम अगर 40 वर्ष पीछे चले जाते हैं, हम बड़े बुजुर्ग से मैं भी पूछा कि और हमारे देखते हुए कोई गांव में चर्च नहीं था, ना कोई धर्मांतरण नहीं था, जबकि मुगलों के शासनकाल में नहीं हुआ, अंग्रेजों के शासनकाल में धर्मांतरण नहीं हुआ, ऐसा क्या होगा कि आज़ाद भारत की ये 70 वर्ष के वर्तमान 70 वर्ष के अंदर और ये 30-40 वर्ष के अंदर हमारे लोग धर्मांतरण करने जा रहे हैं। अभी जैसे पिछले 8-10 साल के अंदर, 10-15 साल के अंदर धीरे धीरे हमारा जैसे आदिवासी समुदाय में, जैसे इस क्षेत्र में हम लोग जिस बस्तर जिले का जैसे लोंडीगुड़ा है, बास्तानार है, इस एरिया में हमारा माड़िया जनजाति जो कि गोंड माड़िया जनजाति समाज के लोग रहते हैं, उनको वो लोग टारगेट बना के उनका धर्मांतरण कर रहा है, क्योंकि हमारे लोग शिक्षा से थोड़ा वंचित रहे हैं और स्वास्थ्य, उनको शिक्षा और स्वास्थ्य मेन दो आधार उन लोगों को मैंने कारण बता के, अगर हमारा कोई बीमार हो जाता था तो हमारे लोग पहले झाड़ फूँक या देवी देवता से ठीक होते थे, लेकिन अब वो लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ प्रार्थना करोगे तो ठीक हो जाएगा, ये भूत प्रेत है, ऐसा करके उनको धर्मांतरण करने का काम किया। कश्यप जी के अथक प्रयासों के प्रमाण हमें जगदलपुर के समीप स्थित एरमोड़ गांव में मिले, जहां पर उन्होंने एक भी नया चर्च बनने नहीं दिया और इसके साथ ही इस गांव में ईसाई मिशनरियों की गतिविधि पर पूरी तरह से रोक लगा दी। मेरे गांव में पटेल थे, कोटवार, और पटेल धार्मिक प्रवृत्ति के थे, दाढ़ी बना के आदिवासी थे और बहुत पूजा पाठ करते थे। उनको बोले कि हम आपका गाँव में हम लोग तालाब भी बना दिए, हम लोग छोटे छोटे थे, तालाब बना दिए, तो तालाब बनाने के बाद इनको फिर बोले कि हमारा ऐसा ऐसा काम चलता है, फिर एक जगदलपुर में बस्तर सेवक मंडल है आड़ावल में, फिर कमार गांव में एक दीनबंधु कुटीर उद्योग है, वहां से वो सब संचालित होता था, तो उनको बोले कि हमारे वहां वहां दिखाने ले जाएं, फिर उनको दिखाने लाए, उसके बाद निर्मल विद्यालय करके स्कूल है उनका, उनका स्कूल दिखाया, फिर हॉस्पिटल दिखाए, कई उनका बना हुआ बांध दिखाया कि हमारा ऐसा काम चलता है, आपके गांव में भी जगह दे दीजिए, आपके गांव में वैसा बनाएंगे, तो हमारे गांव में भी वो लोग जगह मांगने को लगे, तो हमारे लोग ऐसे फंस गए और वो जगह देने तक के भी तैयार हो गए, हमारे बड़े गांव के मुख्य लोग, पटेल पुजारी प्रमुख। तो उस समय मैं, मेरे को ख्याल था कि मैं, क्योंकि कई जगह सुना था कि ये लोग ऐसा ऐसा करते हैं, तो मैं उसमें तत्काल विरोध किया और विरोध यहाँ तक किया, अगर यहाँ और एक झंडा लगवा दिया मैं और यहाँ अगर किसी प्रकार का कोई भी निर्माण होगा तो यहीं पर काट डालेंगे।
आज से 13 वर्ष पूर्व मेरी श्रीमती जो उन सरपंच चुन के आई, तो मैंने पंचायत अधिनियम को देखा पढ़ा, तो उसमें पंचायत अधिनियम में धारा 129 घ के अंतर्गत विशेष ग्राम सभा का धारा 7 के तहत गांव के सांस्कृतिक पारंपरिक रूढ़िगत परंपरा को सुरक्षित एवं संरक्षित करने का अधिकार एवं कृत ग्राम पंचायत को। तो उसको हम विस्तार से पढ़ा तो पता चला कि ये पैसा के अंतर्गत ये ग्राम सभा ऐसा होता है। तो हमने, मैं जिस पंचायत में रहता हूँ ग्राम पंचायत कलचा, वहाँ भी एक पास्टर उस समय आके रहता था, धर्मांतरण नहीं किया लेकिन वो सेवा के नाम पे प्रार्थना के नाम से वहाँ रहता था। बाद में पता चला कि ये भी हमको पता चला कि ये भी पास्टर है, कुछ वो धंधा वंदा करता था, चावल वावल राशन से लेके गेहूँ लेके बेचता था। फिर बाद में पता चला कि ये पास्टर है, तो उनको एक दिन हम लोग बुला के पंचायत में समझाइश की दिए और बोले भाई साहब हमारे यहाँ पंचायत अधिनियम का धारा ये कहता था ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित हुआ है और किसी भी प्रकार के बाहरी व्यक्ति के द्वारा कोई धर्म का उपदेश, धर्म का संस्कार या धर्म का शिक्षा देना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है और कोई भी धार्मिक स्थल निर्माण नहीं होगा। जुड़वा बचारो लसे जुड़वा बचारो लियार दुख सुख के रचा कमजोरी और रोला उनके दवाई मांगुन रोले दवाई मांगुन रोले और फिर अच्छा वो रोला अच्छा उन बाती फिर उन दुख फिर पोड़ लिसे एकदम कमजोरी होला कटला खाई खाई कर उन दख ले हम सोए बाबा मन कर उन दख ले और फिर नियानो नी उतास सिस्टर मन उन मन अस्पताल निवा तार भर्ती कर उन देवा बोला से हम सोए बाबा सांग ले कहे मरत करत ले तुम रो आई द्राम ने चिरवा बोलो मात्रा मुन द्राम ने रोग नहीं सकूं बोलू हम जो कुटुंब परवर ही हम छो सगा दूर गंगा आसो मतलब हम एक नी चांडू बोलते हम फिर नी चांडू फिर बोलू तारे नी कर लू। जैसे घर वापसी उनको पहले बातचीत करके घर वापसी करने का तैयारी होता है, वो तैयार होता है। हम कोई इसमें बड़ा क्या बोलना चाहिए दिखावा करने की हमारी जरूरत है क्योंकि हमारा आदमी हमारा परिवार का है, हमारा गांव का है, हमारा समाज का है। इसीलिए हमारे एक परंपरा है, हमारे रूढ़ी परंपरा के अनुसार हमारे गांव की देवी माता होती है। देवी माता के पास हम लोग पूजा याचना करके प्रार्थना करके हम हमारा जैसे नारियल है अगरबत्ती पूजा पाठ करके उनको भी हमारे जो समाज प्रमुख के द्वारा पवित्रीकरण किया जाता है और पवित्रीकरण करने के बाद फिर उनको पूजा पाठ करा के और सिंदूर उंदूर जो हमारी परंपरा के अनुसार उसको करके हम लोग अगर हो सकता है कोई व्यवस्था हो छोटा छोटा मोटा कुछ बेट दे के फिर वो हम समाज में आपस मिला रहे हैं। इस प्रकार से हम लोग घर वापसी का कार्यक्रम अभी चला रहे हैं। हम जो एक पांडू के हम जो फारा ईसाई धर्म लोग रोत हम जो चारों पारा चो लोग शांत रहो तुम जो पारा चो लोग नहीं सकत बोलते रहो फिर के एक समझा लो कोई बोल समझ लो सही से समझ लो हरी लो फिर हम ये फारा का जखंड मुखिया बोला पाचे सांग से रहो तमन मोती कहाँ उठ तो बस होता नहीं असन सीज कसन तुम चो पारा चो समझाओ कि नहीं सका ससन आए बोलते रहो बोल तो के समझा लो के बोल समझ लो आदो बागो के समझ लो चार कर सन नहीं समझ लो गास होते हम लोग ना जैसे आदिवासी हैं एक जन आदिवासी अगर मारपीट भी होता है ना होता है शासन प्रशासन जब तक थाना में हम लोग सूचना नहीं जाते हैं मतलब रिपोर्ट नहीं जाते हैं तब तक थाना वाले नहीं आते हैं और एक जन इसे ही को झगड़ा भी हो जाता है ना वो शासन प्रशासन ऊपर से एसपी डीएसपी तक आ जाते हैं यहाँ पे और सरपंच उस सरपंच पंच लोग को दबाव डालते हैं। कोई मेला लगता था मेला में भी ईसाई मिशनरी के लोग पॉम्पलेट पत्रक आके बांटते थे हमारे बाजार होता था हमारे यहाँ विश्व पर दशहरा होता था वहाँ प्रदर्शनी लगता था गेट में बांटा जाता था और इस प्रकार से वो लोग करते थे और उसके साथ साथ वर्ष में एक बार उन लोग का एक टीम आता था जैसे गाड़ी में बैंड उंड बजाने का भी सामान रखते थे माइक वाइक रखते थे गांव के चौराहे में जाके बजाना और कुछ करना लोग एकत्र हो जाते थे उनको कुछ साहित्य पत्रक पंपलेट निःशुल्क बांटते थे और कुछ को इशू का संदेश आया आपके पास मात्र 5 रुपया आपको देना पड़ेगा इस प्रकार वो देखे इससे आपको उपदेश देते थे और वो लोग हमारे लोग मैंने अज्ञानता कारण ले भी लेते थे इस प्रकार का उन लोगों का काम चल रहा था। लेकिन अभी हमारे लोग इतना जागरूक हो गए हैं कोई भी बाहरी व्यक्ति इतना आसानी से घुस नहीं पा रहा है ना बाजार मंडई मेला यात्रा में अभी टोटल लगभग रुक गया है जो भी कर रहे हैं एक छुपके से
छल से और अंदरूनी तरीके से कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अब मन के चले जो पहले कर रहे थे वो नहीं कर पा रहे हैं। श्री महेश कश्यप जी की ये प्रेरणादायक कहानी हमें यही संदेश देती है कि धर्म रक्षा का कार्य करने के लिए हमें न तो किसी मापदंड की आवश्यकता है और न ही किसी उचित समय की प्रतीक्षा करने की। हम सभी अपने अपने सामर्थ्य में धर्म रक्षा का अपना कार्य कर सकते हैं। आवश्यकता है तो केवल साहस भरे पहले कदम की। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। आपसे शीघ्र मुलाकात होगी हमारे अगले धर्म रक्षक के साथ। जय हिंद।